So one fine day, me and my daughter decided why not to explore a beautiful forest and which is very nearby to Guwahati. Hence we started our journey from Guwahati through a beautiful road which is surrounded by nature all around. After 1 hour of driving, we have reached to a wildlife sanctuary called Pobitora. And we are checking into a resort called Arya Eco Resort. Good morning friends, and मैं अभी हूँ एक नया location पे. आपने मेरा last video काजीरंगा का देखा होगा. So आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि काजीरंगा बहुत दूर है, इतना दूर क्यों जाएंगे, आपकी planning करना पड़ता है उसके लिए. In case अगर आपको लगता है कि सडनली वीकेंड में एक ट्रिप करना है तो आप इस लोकेशन पे आइए. एंड इस लोकेशन का नाम है पोबितोरा. एंड पोबितोरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. एंड यहाँ पे आपको छोटा मिनी काजीरंगा भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राइनोस दिखने को मिल जाएंगे. तो फिलहाल मैं अभी पोबितोरा में हूँ एंड मैं चेक इन किया आर्य इको रिजॉर्ट पे. तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करा तो रूपांकर से. एंड रूपांकर आर्य ग्रुप का पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी में, तो आज रूपांकर है मेरे साथ. तो रूपांकर आपको थोड़ा सा ये रिजॉर्ट एंड कैंप को घुमा के दिखाएगा, बिकॉज कैंप मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो लाइक टेंट्स वगैरह. तो फिलहाल चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. मुझे आगे बहुत दो तीन टेंट्स दिख रहा है एंड इनफैक्ट फ्रंट साइड में बहुत बड़ा एक स्पेस है जहाँ पे और भी टेंट्स लगा सकते हैं बेसिस ऑन द नीड्स, ट्रैवलर्स बाइकर्स जो भी आते. तो ये जो रिजॉर्ट है हमारा, ये आपका ये नियरेस्ट टू द सेंचुरी, राइट? तो बिल्कुल सेंचुरी गेट के बिल्कुल सामने ही है हमारा रिजॉर्ट. और यहाँ पे वी कैन हैव अ वेरी प्लेजेंट स्टे. इनका अभी फिलहाल तो क्लाइमेट बहुत अच्छा है स्टे करने के लिए. और यहाँ पे वी हैव कॉटेजेस एंड वी ऑल्सो हैव सम टेंट्स. सो प्लीज़ कम एंड शो यू द टेंट्स. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगर टेंट्स दैट वी हैव. इट्स अ बिग वन. सो हियर यू कैन हैव 3 people can very easily stay. So right now we have put in beds for 2. So ये very comfortable beds है. यहाँ पे आपको ठंड नहीं लगती है और इतना गर्मी भी नहीं है, because we have got अभी तो weather बहुत ही pleasant है. So very nice place to stay actually. और भी एक tent है दिखाता हूँ. This is a smaller tent, slightly smaller tent. So in fact in the bigger tent a small family can very easily stay. Right. और आगे भी एक बहुत अच्छा एरिया है, आपको मैं लेके जा सकता हूँ अभी. चलिए. एंड दिस इज आवर स्पेशल एरिया. नाइस प्लेस. वी कॉल इट द सेक्रेट ग्रोव. वाओ. सो यहाँ पे वी पुट अप टेंट्स हियर. एक टेंट लगा हुआ है. इनफैक्ट वी रिसेंटली हैड समवन स्टेइंग. वेरी वेरी नाइस प्लेस टू स्टे. एंड अच्छा, दिस इज अनदर टेंट. वाओ, दिस इज नाइस. टू पीपल आराम से हो जाएगा. Apart from tent, they have beautiful cottages as well. और इसी कॉटेज में हम लोग आज स्टे करेंगे. निरीशिता इज द कैमरामैन टुडे. So we are going for a jungle safari. तो हम लोग जंगल में एंट्री कर चुके हैं. एंट्री फी है 1000 rupees जो जीप सफारी का फेयर है. एंड बाकी एज पर द हाउ मेनी पीपल्स आर कमिंग. सो कोविड के लिए शायद 4 जन से ज़्यादा अलाउ नहीं करते. जो हम लोग टोटल मिला 3 जन 3 पर्सन में ट्रैवलिंग विद कैमरा 1500 rupees एंड 1500 इज द कॉस्ट. एंड रिजनेबल प्राइस है, अनलाइक काजीरंगा में 3 से 4 हज़ार रुपये लगते हैं. बट स्टिल यहाँ पे 1 घंटे का सफारी है. तो मैं आपको ट्राई करूँगा कुछ एनिमल्स दिखाने के लिए. इस तरफ जो देख रहे हो ना, ये राइनो है. दो एक बेबी सा राइनो भी है साथ में. उस तरफ भी राइनोसोरस है आगे.
एंड बहुत सारा बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा लेक टाइप दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इस बिल को बोलते हैं पागला डोबा बिल, एंड बिल मतलब ले, एंड अगर आप ओबिथोरा में हो तो इस बिल के तरफ आइएगा, बिकॉज ये बेस्ट प्लेस है बर्डिंग के लिए। बहुत सारे बर्ड्स दिखने को मिल जाएगा आप लोग, एंड प्लस राइनोसोरस एंड बहुत सारे एनिमल्स है दिख रहा है दूर दूर पे, बर्ड्स लाइक यू नो डक, रूडिशियल डक, ब्रॉन्ज विंग सिकाना। फिलहाल हम लोग फॉरेस्ट एरिया पर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे एनिमल्स देखने का चांस। एनिमल्स में राइनोसोरस इज द मेन एनिमल, फॉर्मिटोरा, वाइल्ड बोर, और भी शायद कुछ दिख सकता है। सो फिलहाल आप इस वीडियो को देखते रहिए। वाइल्ड बफेलो मैं आपको दिखा देता हूँ, अकुमान आगोला आज फ्राइडे है, एंड बेसिकली आज वीक डेज है, सो आज हम लोग जो सफारी किए एक भी जीप दिखा नहीं। सो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज क्या होता है अगर आप जंगल सफारी में आते हो बहुत सारा गाड़ी घुस जाते हैं, तो देन एनिमल साइडिंग करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सिंगल कार है एट दिस मोमेंट, एंड इसीलिए थोड़ा धूल कम है, अदरवाइज ये रूट पर बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग शायद में अपना सफारी ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे है हम लोग, एंड हम लोग वापस जा रहे हैं रिजॉर्ट की तरफ। एंजॉयिंग द राइड। क्या दिखा था आपको, क्या क्या एनिमल्स दिखे? वाइल्ड बफेलो। Now we are going back to our resort for lunch. After lunch, we'll go to a nearby place जहाँ पे बहुत सारे migratory birds देखने को मिलते हैं। यानी अपना खाड़ियाँ से, okay, तो दाल दिया से, दाल, तो अपना chicken curry दिया से, okay, तो सलाद दिया से, तो अपना बैंगन पत्ता दिया से, बैंगन पत्ता, तो guys, so फिलहाल हम लोग lunch करेंगे, and ये है restaurant area। अभी हम लोग फिलहाल जिस जगह पे, इस point से आपको bird view मिलता है, मतलब bird watching point बोलते हैं यहाँ पे। बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड्स है जो आपको दिखेगा, एक्चुअली कैंप से ज़्यादा तो नहीं, जो अपना रिजॉर्ट के पास ही है ये पॉइंट।
यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा बर्ड फोटोग्राफी किया, वीडियोग्राफी किया, एंड ये लेक के उस साइड से फिर से फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, एंड दूर में राइनोस दिख रहे हैं, राइनोसोरस एंड वाइल्ड बफेलोस। इस जगह पे आपको एक साथ में राइनोसोरस एंड बहुत सारा वाइल्ड बफेलोस देखने को मिल जाएगा। फिलहाल सनसेट का टाइम है, इस तरफ से सनसेट होगा तो हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। इतना सुकून है यहाँ पे, चारों तरफ विलेज है एंड पॉल्यूशन फ्री, एंड यहाँ से होगा सनसेट। After spending wonderful day, now it's time to enjoy the bonfire. What about an evening where father is giving the beat and daughter is dancing? Yes, it's me and Rishita, both are enjoying the evening to the fullest. We had some evening snacks. Uske baad hum log dinner karke so gaye. Morning friends, तो आज है 38 जनवरी, so one night हम लोगों ने stay कर लिया पवित्रा में, and अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6 AM इन द मॉर्निंग। तो फिलहाल हम लोग जो अपना रिजॉर्ट के पास जो लेक है, उस लेक के सामने हम लोग बैठे हुए हैं सुबह। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि सनराइज को रिकॉर्ड करने के लिए। एट दिस मोमेंट थोड़ा सा फॉगी है वेदर, बट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो फॉग का लेयर है ना रिवर के ऊपर, बहुत सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे बर्ड फोटोग्राफी चल रही है, सो रूपांकर टेकिंग फोटोग्राफ्स। अगर आप बर्ड फोटोग्राफर हो ना, तो आपके लिए फॉरेस्ट में जाना नहीं है, बस ये प्लेस पे बैठे रहिए। लेक के आसपास में बहुत सारा बर्ड्स दिखेंगे आप लोगों को। सो फिलहाल हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए, एंड ये जो ट्रेल है ना, जो फॉरेस्ट की तरफ जाता है जो रोड, उस रूट से हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। सुबह का टाइम अच्छा लग रहा है क्योंकि वेदर बहुत प्लेजेंट है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, एंड गर्मी भी तो है नहीं, बिकॉज अभी हम लोग 30th of January पे हैं। यहाँ पे फार्मिंग होते हैं। ओके, एंड वन गुड क्रॉप दैट दे हैव इज पंपकिन। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जो स्ट्रेच है, आगे तक ये सारा पंपकिन का है। ओके, मेरा ये हैबिट है, इनफैक्ट मैं जो भी लोकेशन पर जाता हूँ सुबह एक मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ। जैसे मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा चटकपुर का, तो मैं छोटा सा जो हिल स्टेशन था पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ था। तो एक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुबह आप निकलेंगे ना, जो वेदर होता है बहुत फ्रेश होता है। स्पेशली ये विलेज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि चारों तरफ फॉरेस्ट है, एंड फॉरेस्ट के साइड में ये विलेज है, लेक्स है, बहुत सारा बर्ड्स देखने को मिल रहा है। गौरा है, हुमायूं जाने की ये आदमी जो बता रहा है कि राइनो घुस जाता है अंदर में, एंड उसके लिए जो खेती बाड़ी है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इन लोगों को। हेलो, तो ये है फॉरेस्ट गेट जो कल हम लोग सफारी किए थे, उसके भी फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ये एक बेर का पेड़ है, तो रूपांकर ट्राई कर रहे कुछ बेर शायद मिल जाए तो हम लोग खाएंगे। तो ये है बेर। अपने यहाँ पे ना एक ट्रेंड है, पता नहीं रूपांकर आपको पता है कि नहीं, कि हम लोगों का घर पे छोटा उम्र पे हम लोगों को ये सिखाया गया कि सरस्वती पूजा से पहले ये खाना नहीं चाहिए। बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, उससे पहले बेर को खाना नहीं चाहिए, बिकॉज पहले पूजा में देना होता है, उसके बाद आप लोग खा सकते हो। बस चलिए, कोई बात नहीं, अभी तो क्या और पढ़ाई लिखाई करना है। वेरी नाइस प्लेस टू सिट डाउन फॉर अ व्हाइल। या चलते चलते अगर थक जाए ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हो। की नाम तुम्हारा? अच्छा, नमस्कार। अपने को पैसे की ना एक भगवान ले जाम अब भूस आता से लो। बाप रे, ईमान बस्तु ईमान डांगर भूस निकी। ओ देखो दुखो मानो पिकनिक, देखो दुखो मानो कोड बोल।
सनराइज के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ एक्टिविटीज किया, एक विलेज वॉकिंग पे गए थे एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत विलेजर्स से बात की, इंटरेक्शन किया एंड देन जो उनका फार्मिंग होता है तो कैसे होता है वो सब देखने गया। सो एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आप सुबह सुबह उठ के ये वाला चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, सनराइज़ को एक्सप्लोर कीजिए एंड देन जो भी लेक है ना साइड में उसके पास में इतना सारा बर्ड्स था तो इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। इन रूपांकर अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? बस काम। ये लोकेशन पे? ये इससे अच्छा लोकेशन क्या हो सकता है? नेचर। वाओ। Wow, that's a nice concept. Yahan pe you get inspired by everything you see around you. Natural sound, bird sound, yeah. Very nice place to work. Absolutely. Main last 1 month mein 3-4 forest ghum chuka. First one was Manas. Second one was Kaziranga. Third one was Doers. Jo mera video aana abhi bhi baki hai. And fourth one is Pobitora. So from December 20 tarikh se जनवरी आज कल 29th ऑलमोस्ट 1 month। सो एक महीने में मैंने 4 फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स कवर किए। अच्छा 4 नहीं 5 सेंचुअल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दार्जिलिंग पे। सो चटकपुर गया था वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था एक 5 कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द ईस्ट में मेन सेंचुरी। ये एलिफेंट राइड इधर से हो रहा है। सो अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे एलिफेंट्स राइड भी ले सकते हो। मॉर्निंग आई थिंक 6 or 7 o'clock स्टार्ट होता है तो आप फॉरेस्ट ऑफिस में आके इनसे कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको एलिफेंट राइड्स भी मिल जाएंगे। ये हैंगिंग ब्रिज पे भी आप आ सकते हो। कुछ ऐसा ही हैंगिंग ब्रिज मुझे दिखा था राशिया में चमेल करके एक लोकेशन है तो ऐसा ही कुछ था उसका व्यू। तो आफ्टर द सफारी वो एलिफेंट्स को नहलाता है इसी पूल में नहलाता है वहाँ। अच्छा इधर ही हाँ। That's a beautiful sight to see। तो फिलहाल टाइम है चेकआउट का तो हम लोगों ने बहुत अच्छा 2 days and 1 night स्पेंड किया इस रिजॉर्ट पे, आर्या इको रिजॉर्ट। एंड ये जो टीम है ना बहुत एग्रेसिव एंड वेरी एनर्जेटिक टीम है। भल लगे थैंक यू हाँ भल दौरे काम को ही था एंड थैंक्स टू रूपांकर। चलो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग आइए ज़रूर, मैं नीचे नंबर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप कॉल करके आइए एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा।